हेलो दोस्तों, देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। कौन कौन से प्लेयर पिक किए गए हैं उस पर हम बात करते हैं आप लोग से। पहले स्क्वाड बता देते हैं कि कौन कौन से प्लेयर पिक हुए हैं। देखिए बाबर आजम ओबीसी से बात है, कप्तान सद्दाम खान, आपके वाइस कैप्टन आसिफ अली हो गए, हैदर अली लिया गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिये हारिस रौफ हो गए, इफ्तिकार अहमद और खुशदिल शाह हो गए, और देखिए मोहम्मद हसनैन हो गए, देखो मोहम्मद नवाज हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, मोहम्मद वसीम हो गए, उसका देखिए नसीम शाह हो गए, साहिद शाह फरीदी हो गए, शान मसूद हो गए, उसका देखिए उस्मान कादिर हो गए। तो ये टीम हो गई। फिर से हम लोग बाबर आजम हो गए, सद्दाम खान, आशिफ अली हो गए, हैदर अली हो गए, हारिस रौफ हो गए, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह हो गए, मोहम्मद हसनैन हो गए, नवाज हो गए, रिजवान हो गए, मोशीम हो गए, नसीम साहब हो गए, उसका देखिए साहिद साहब फरीदी हो गए, उसका देखिए शान मसूद हो गए, उस्मान कादिर हो गए। ये 15 से टीम हो गई। देखिए इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं, फकर जमान आउट हो चुके हैं, क्योंकि हमने पहले वीडियो बना चुके हैं उसके बारे में कि उनको चोट लगी, चोट की वजह से वो बाहर हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए शान मसूद की एंट्री हुई है, ये फकर जमान के लिए लिया गया है। शान मसूद काफी अच्छा परफॉर्म भी किए हैं, ओपनिंग स्लॉट में आते हैं शान मसूद, तो इनको इसलिए लिया गया है। वही बाकी जो टीम आप देख रहे हैं, बाकी सब टीम सेम है जिस जो एशिया कप उतारी गई थी, वही इफ्तिकार अहमद हो गए, खुशदिल शाह हो गए, नवाज हो गए, हसनैन हो गए, साहिद साहब फरीदी, मतलब कि आपको पता इंजरी हो गई तो उसमें रिकवर हो जाएंगे, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो मतलब कि टीम तो भी तगड़ी लगी, फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, हारिस रौफ हो गए, हसनैन हो गए, नसीम शाह हो गए, साहिद साहब फरीदी हो गए, नवाज धानी को नहीं लिया इन्होंने। और देखिए बाकी तो टीम टू सेम लग रही है, आसिफ अली भी वही है, हैदर अली को इंक्लूड किया गया है, ये भी अच्छी बात, क्योंकि देखिए शोएब मलिक की बात चल रही थी, शोएब मलिक को लिया जाएगा, लेकिन मतलब उनको नहीं लिया गया मीडिया ऑर्डर में। तो मतलब कि ये भी एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं शोएब मलिक को नहीं खेलना चाहिए, आईसीसी कुछ खास किए नहीं है, ऊपर से बहुत ज्यादा एज भी उनकी हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें, लेकिन जो स्क्वाड है अच्छी स्क्वाड, तगड़ा स्क्वाड लग रहा है, बैलेंस स्क्वाड लग रहा है, इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा जो एशिया कप में खेला वही खेला है, तो भरोसा जताया है पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट ने, पीसीबी ने, जो चीफ सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम जो है, उसका देखिए बाबर आजम की मतलब की ये बात है। तो इन तमाम चीजें हैं, और बाकी टीम को अच्छी लग रही है। बेस्ट विशेष पाकिस्तान टीम, इसी उम्मीद से मिलते हैं, ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।